के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। चड्ढा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आपका स्वागत भी हम 25,000 की निफ्टी से कर रहे हैं सर। देखिए तो बधाई सबसे पहले, तो फिर से हम लाइफ हाई के नज़दीक पहुँच चुके हैं, मुश्किल से 50-100 पॉइंट दूर हैं। तो एक बार फिर से 24,000 से 25,000 की यात्रा की है, क्या डायरेक्शन लग रहा है बाजार का, कैसे देख रहे हैं आप? तो अनिल जी, मैक्रो सेटअप अच्छा लग रहा है। आपने भी चर्चा की, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है, ऑयल 80 के नीचे है, यूएस फेड ने डायरेक्शन अब क्लियर कर दिया है, कितना रेट कट करेंगे वो पता लग जाएगा 18 सितंबर से। मार्केट प्राइस कर रहा है 25 से 35 बिल, बट डायरेक्शन क्लियर है कि आगे अब रेट कट्स होंगे। आपका जो FII सेलिंग है कुछ हद तक मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया है, तो और इंडिया का जो बेसिक पैरामीटर्स है वो सॉलिड है। थोड़ा सा कंसर्न जो है वो वैल्यूएशंस पे है, और थोड़ा मुझे लगता है बाजार रोटेट कर सकता है। अगर आप देखिए जो अभी Q1 का अर्निंग्स गया, अगर आप BSE 500 कंपनीज देखें तो अर्निंग ग्रोथ करीबन 4-5% ही रहा है। करीबन करीबन 300 स्टॉक ऐसे हैं BSE 500 में जो 50 के पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है वो सस्टेनेबल है। तो थोड़ा सा जब भी आप एक फ्रेश हाई बनाते हैं, थोड़ा सा इवेल्युएट करिए कि ये स्टॉक उस अर्निंग ग्रोथ को जस्टिफाई कर पाएगा आगे फ्यूचर में कि नहीं, आई थिंक वो एक सवाल है हमें करना चाहिए। और अब अगर आप US मार्केट से कंपेयर करें तो US में जब ये पीछे करेक्शन आया था, हमारे यहाँ भी आया उधर भी आया, तो रसल ने अच्छा करना शुरू किया और बिग टेक जो टॉप 10 टेक स्टॉक्स है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। जबकि आप देखेंगे रसल इंडेक्स टोटल अंडर परफॉर्मेंस करती रही है। अगर आप कोविड के पहले देखेंगे तो रसल इंडेक्स 15,000 पे था, 16,000 पे, आज 22,000 है। तो हार्डली कुछ बड़ा है, सिंगल डिजिट शायद कैगर भी नहीं है, 50% ग्रोथ होगी 5 साल में। इंडिया में अगर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे 100 ले लीजिए लग से, वो 5-6,000 था, लगभग 19-20,000, 3-4 गुना हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे शायद मीन डिवर्जन थोड़ा स्मॉल मिड कैप की तरफ हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे शायद थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तभी हम हमेशा निवेशकों को बोलते हैं कि दोनों मार्केट्स में निवेश करिए, क्योंकि लो कोरिलेशन है इंडिया का S&P और NASDAQ से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ रिटर्न देखते हैं, कोरिलेशन कम देखते हैं। तो मेरा बस ये फोकस है कि थोड़ा सा आप अर्निंग जस्टिफिकेशन पे तरफ ध्यान दीजिए। माइक्रो आउटलुक अच्छा है, बाजार पे नजरिया कोई बहुत बेरिश नहीं है, कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पैसा आपको सोच समझ के लगाना है, ये ध्यान में रखिए। पूरे मार्केट में ऐसे अनाम शनाम तेजी हो वैसा नहीं है। लेकिन एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो है रिजल्ट सीजन जो खत्म हो चुका है, और रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद इस बार लोगों में थोड़ा उत्साह का माहौल कम है। बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़फोड़ रिजल्ट आए हों या अर्निंग्स अपग्रेड ज़्यादा नहीं आए, बल्कि डाउनग्रेड से थोड़े ज़्यादा आए, तो इस लिहाज से कहाँ आपको कमाई और वैल्यूएशन दोनों का कंफर्ट दिखता है? तो अनिल जी, एक जगह तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स थोड़ी लैग के साथ चलेंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। रेट कट साइकिल शुरू होगी, अभी जरूर क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम है क्योंकि डिपॉजिट डिफिकल्ट टू मोबिलाइज है, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये धीरे धीरे एड्रेस होगा। तो फाइनेंशियल्स हमें अच्छा लगता है, जैसे अगर आप फेडरल बैंक देखिए 1.2 बुक वैल्यू पे है, उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज अब बहुत बड़ी हो गई है, पहले पूरा डिपेंडेंस होलसेल डिपॉजिट पे था, अगर आप अभी डिपॉजिट बुक देखेंगे तो 80% रिटेल है, जो कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है पिछले 3-4 सालों में। पिछले क्वार्टर अगर आप देखें, वो एक अकेला ऐसा बैंक था जिसने 20% क्रेडिट ग्रोथ भी करी और 20% डिपॉजिट ग्रोथ भी करी ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5% ग्रोथ थी। नई लीडरशिप टीम है, मिस्टर मनियन आ गए, मिस्टर मनियन का बहुत बड़ा हाथ है कोटक को टर्न अराउंड करने में, कोटक को आज बनाने में जो कोटक है। सिमिलरली मुझे लगता है ICICI बैंक, HDFC बैंक थोड़ा सा मुझे लगता है एक रेंज में रहे हैं बहुत समय से, शायद परफॉर्मेंस आ सकता है। दूसरा हमें जो थीम अच्छी लग रही है वो रीसाइक्लिंग थीम अच्छी लग रही है, जो अभी आपके पैनल में गेस्ट भी थे जो बोल रहे थे कि एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो हम उस पर काफ़ी केंद्रित है। मैंने पहले आपसे चर्चा करी थी प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की, गणेशा इकोस्फेयर स्टॉक में बहुत अच्छा किया है। वाटर रिसाइकिलिंग की थोड़े से थीम है, लेड रिसाइकिलिंग में है, ग्रेविटास है, तो हमें जो ओवरऑल एनवायरमेंट थीम है, सोलर पैनल प्ले है जैसे टाटा पावर के थ्रू है, स्मार्ट मीटर्स है, ये थीम हमें अच्छी लगती है, ये फ्यूचरिस्टिक थीम है, यहाँ पे ग्रोथ जो है 25-30% हो सकती है। तीसरा हमें डेटा सेंटर बहुत अच्छा लग रहा है एज अ थीम, बहुत मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है डेटा सेंटर्स में, तो हम पूरा डेटा सेंटर्स की वैल्यू चेन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में HBL पावर है, सविता ऑयल टेक है, हम थोड़ा एंसिलरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन रियलिटी पार्ट के डेटा सेंटर के, और हम निश थीम्स पे थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा है। थोड़ा सा मुझे लगता है FMCG वापस आएगा जैसे जैसे सरकार का फोकस है रूरल एरियाज में, मुझे लगता है FMCG स्टॉक्स जो नहीं चले हैं वो शायद थोड़ा सा नियर टर्म में अपमूव देख सकते हैं।
तो चलिए, ये नतीजों के लिहाज से आपके लिए बेहतर कुछ कुछ ऑप्शंस जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पर फोकस करें। दो सेक्टर पर स्पेसिफिकली आपसे राय लेना चाहता हूँ, चूंकि अमेरिका से संकेत अच्छे आ रहे हैं हम ब्याज दरों में कटौती के, मेटल और आईटी। आईटी तो उतना पिटा हुआ नहीं, हल्के फुल्के करेक्शन, लेकिन मेटल काफ़ी पिटा हुआ था जो अब एक्शन में आता दिख रहा है। क्या यहाँ कुछ मौके ढूंढे खरीदारी के, या फिर ठीक है ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया है, निवेश नहीं करना है? मैं आपके सेकंड पॉइंट से एग्री करता हूँ। ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया है, आप लंबा व्यू नहीं ले सकते हैं। थोड़ा कई बार स्पेशल सिचुएशन आपको मिलेगा। वेदांता में मिला था आज से 6 महीने पहले, टाटा स्टील में मिला था कुछ समय पहले, सेल में मिला था, तो आपको थोड़ा सा टैक्टिकल रहना है। मैं प्रेशियस मेटल्स को लेकर थोड़ा बुलिश हूँ, जिसमें मैं गोल्ड सिल्वर मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि डॉलर की सुप्रीमेसी अगले 4-5 साल में और चैलेंज होगी। सेंट्रल बैंक्स अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे डॉलर पे, और हमारे आसपास इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन मैंने अपने 15-20 साल के करियर में नहीं देखा है। नदी आप देखिए, सारे नेबर्स में उथल पुथल है, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका था पिछले साल, इसराइल हामस है, चाइना ताइवान है, रशिया यूक्रेन है। बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और मुझे लगता है यूएस ने जो एक वेपनाइज किया डॉलर को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ, वहाँ एक थोड़ा उन्होंने संदेह पैदा किया सेंट्रल बैंक्स में। तो मैं गोल्ड को लेके थोड़ा सा बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, और पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हेजिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि जब पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करे तो थोड़ा सा हेज करना जरूरी है। तो आप गोल्ड और अंडरलाइंग गोल्ड डेरिवेटिव थीम्स जो है, जैसे ज्वेलरी मेकर्स हैं या गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, उनको भी पोर्टफोलियो में तवज्जो जो है दे सकते हैं। थोड़ा गोल्ड खरीदा जाए, ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि थोड़ा गोल्ड से हेजिंग भी करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और उस लिहाज से गुरमीत जी, थोड़ा पैसा क्या फिक्स इनकम में, डेट में भी लगाना चाहिए? अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगे तो थोड़ी उम्मीदें हमारी भी जग जाती है कि आगे पीछे हम भी घटाएंगे, और हमारा भी तो महंगाई थोड़ा काबू में ही दिख रहा है, तो क्या कुछ डेट इन्वेस्टमेंट भी अच्छे साबित हो सकते हैं? यदि हाँ तो कहाँ लगाएं? 100% अनिल जी, आपको ध्यान होगा हमने 10-ईयर जीसेक की बात करी थी आज से 3-4 महीने पहले, जब 7.5-7.20 के आसपास 10-ईयर जीसेक था, ऑलरेडी 6.90 हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर यूएस में 2-3 रेट कट होते हैं, तो 10-ईयर यील्ड इंडिया की अभी 6.90-6.92 है, 6.5 के आसपास आ सकती है अगले लेट से 9 से 12 महीने में। बहुत ये थोड़ा शैलो रेट कट साइकिल होगा, ऐसा मेरा मानना है, लंबा नहीं होगा। तो अगर आप 50 पैसे के आसपास यील्ड अगर कम आती है, तो वो लगभग अगर आप 8 साल का ड्यूरेशन पकड़ते हैं, तो 4 से 5% का आपको मार्क टू मार्केट गेन हो सकता है। मतलब आप डबल डिजिट रिटर्न एक 10-ईयर गवर्नमेंट ईटीएफ में या जीसेक में भी बना सकते हैं। तो कुछ जैसा मैंने बोला, बैलेंसिंग की जरूरत है। आपने रिटर्न अच्छा बनाया है, थोड़ा सा उस रिटर्न को प्रिजर्व भी करिए, चाहे वो थोड़ा बहुत एक्सपोजर गोल्ड में हो या थोड़ा बहुत एक्सपोजर लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय आती हुई इक्विटी के अलावा डेट और गोल्ड पर भी। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को निवेश के मौके के बारे में बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात, और आइए।